brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. देखिये, चुनावी यात्रा के दौरान बिहार तक की टीम औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवगांव में पहुंच गई। देवगांव में देव मंदिर तो प्रसिद्ध है ही, यहाँ का चपचपवा पूरे देश भर में फेमस है। जी हाँ, आप भी हो सकता है कि ये नाम जो है वो पहली बार सुन रहे होंगे। जब मैं भी यहाँ पहुँचा तो मैंने भी चपचपवा नाम जो है वो पहली बार सुना, जिसके बाद मुझे जानने की बड़ी इच्छा हुई कि चपचपवा आखिर है क्या, जिसको खाने के लिए लोगों की लाइन लगती है। ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और ऊपर में आप देखिए कि किस तरीके से लोग खड़े हैं चपचपवा खाने के लिए। दुकान छोटी दिख रही होगी लेकिन भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। सबसे पहले हम इन दुकानदार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चपचपवा है क्या। क्या नाम है आपका? नाम है चपचपवा। क्या है? बेसन का बनता है, चपचपवा चाट बोलते हैं। चपचपवा चाट बोलते हैं जी सर। हाँ, ये फेमस है। फेमस है यहाँ का। अच्छा, कितने रुपए में बेचते हैं? ये 20 रुपए का हाफ रहता है, 30 रुपए का फुल रहता है सर। कितने साल से बेच रहे हैं? हम तो 10 साल से कर रहे हैं, 50 साल से हमारे पापा करते थे। 50 साल से जी। और ये चपचपवा पूरे देश भर में फेमस है? पूरा फेमस है सर। औरंगाबाद में आने वाले लोग खाते हैं पर? हाँ, बहुत खाते हैं। प्रतिदिन कितने लोग आकर खाते हैं? मतलब 100, 200, 500, 1000 आदमी आ जाते हैं। हर दिन 1000 आदमी आते हैं। हाँ। देखिए कैसे बनाते हैं चपचपवा, थोड़ा दिखा दीजिए बना करके। चना का छोला जो है वो चपचपवा में डाला जा रहा है, और ये देखने में ही इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, खाने में और भी स्वादिष्ट होगा। खाने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो लगती है। बातचीत करते हैं, कैसा टेस्ट है इसका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खा रहे हैं हम लोग तो करीब 6-7 साल से हम लोग यहीं रहते हैं, और जब भी मौका मिलता है, जब भी थोड़ा सा लगता है कि पेट में थोड़ा सा भूख उत्पन्न ले रहा है, तो हम सीधा यहीं चले आते हैं और एक प्लेट खाते हैं और दिन भर मस्त हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे चपचपवा खाते हैं और मस्त हो जाते हैं? हाँ, दिन भर, मतलब एक बार खा लिया दिन भर एकदम टाइट है। अरे, चपचपवा तो खा रहे हैं, चुनाव भी है आपके औरंगाबाद में, 19 तारीख को चुनाव भी है। क्या लगता है इस बार माहौल क्या होगा? चपचपवा जैसा एकदम मसालेदार माहौल है, सुशील कुमार सिंह जो है वो भाई फिर से बाजी मारेंगे या अभय कुशवाहा जो है एकदम चपचपवा की तरह उभर के सामने आ जाएंगे? ये तो अब आने वाला समय बताएगा। अभी तो चुनाव का 20 दिन समय है, लेकिन अभी तो इस पर निष्कर्ष अभी हम विशेष बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। चाचा अंदर भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ युवा भी हैं। कैसा लग रहा है टेस्ट इसका? बहुत अच्छा है। कब से खाते हैं? अरे हमारा यहाँ घर ही है, हम तो हमेशा खाते रहते हैं। हाँ हाँ, डेली अच्छा, खाते हैं? नहीं नहीं, डेली नहीं, बचपन से नहीं, यहाँ पे जब मतलब आते हैं तो कभी खा लेते हैं। अच्छा। संडे को यहाँ नहीं। कैसा टेस्ट कैसा लगता है? संडे को आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इतना भीड़ रहता है। अच्छा। सूर्य मंदिर में जो लोग आते हैं ना संडे में, यहाँ इतना भीड़ रहता है कि आपको मिलेगा नहीं जल्दी, 2-3 घंटा लाइन में लगना पड़ जाएगा। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम यहीं के रहने वाले। चुनाव है औरंगाबाद में, क्या लगता है क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ। तो यहाँ पे अगला सांसद कौन बनेगा, फिर से सुशील कुमार सिंह या अभय कुशवाहा? देखिए अभी तो हम बता नहीं सकते कि अगला सांसद कौन बनेगा, लेकिन इतना है कि यहाँ पे हर समय जब भी होता है चुनाव तो कांटेदार रहता है, अब देखिए अगला का होगा। आप युवा हैं, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? युवा हैं हम, रोजगार पे वोट डालेंगे, और किस पे डालेंगे? रोजगार मुद्दा हो। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है रोजगार इंडिया या एनडीए, कौन सरकार ज्यादा कारगर? बदलाव के चपचपवा खाते खाते लोग जो है वो औरंगाबाद का चुनावी समीकरण जो है और माहौल बता रहे हैं। यहाँ पर एक और है, आपने भी प्लेट पूरा चट कर दिया है जी। क्या नाम है आपका? उदय कुमार सिंह। क्या लगता है चपचपवा तो खा लिए हैं, खत्म हो गया, मगर चुनाव शुरू हो गया है, क्या माहौल है यहाँ पर इस बार? अगर विकास के पर मुद्दा पर अगर हम लोग चलते हैं तो 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ देव में। इस बार हम लोग के एक विकल्प थे शक्ति मिश्रा जी, उनको भी नॉमिनेशन रद्द हो गया। देखिए इस बार हम लोग उम्मीद है कि नोटा हम लोग दबाएंगे, नोटा दबाएंगे, एकदम नोटा दबाएंगे। नोटा का भी जिक्र है, बहुत हो रहा है। चलिए और लोग से बातचीत करते हैं। आपके प्लेट से भी चपचपवा खत्म हो गया है, चुनाव शुरू हो रहा है, क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई कुशवाहा, सुशील कुमार से? देखिए चुनाव तो इस बार बहुत ही गहमागहमी था, और जब से आप जानते होंगे कि शक्ति मिश्रा जी जब चुनाव मैदान में आए थे तो पूरे जिला में ये सूचना हो गई थी कि ये चुनाव त्रिकोणीय हो गया, लेकिन अब तो खैर किसी भी तरह से उनका नामांकन रद्द हुआ। मैं नहीं जानता हूं कि किसने नामांकन रद्द कराने के पीछे किसका हाथ है या नहीं है, लेकिन उनका पेपर, हम समर्थक हैं उनके, और उनका पेपर बिल्कुल सही था, लेकिन कोई कारण बताया नहीं गया कि क्यों रद्द हुआ। अब रही बात, हम लोग तो उनको लेकर चले थे विकल्प के रूप में, क्योंकि यहाँ विकास नगण्य है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई भी विकास का कार्य पिछले 15 सालों से
हमारे प्रतिनिधि द्वारा नहीं हुआ। अब हम उनको लेके चले थे कि हमारा विकल्प है, लेकिन अब हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है, हम सीधा नोटा की ओर जाएंगे, नोटा दबाएंगे। आप युवा है क्या, अभय कुशवाहा या सुशील कुमार सिंह? मैं तो अभय कुशवाहा को दूंगा। अभय कुशवाहा, उम्मीद है उनसे? उम्मीद नहीं है, बस जैसे हर किसी को मौका देकर देखा जाता है। इनको माननीय सुशील सिंह सांसद रह चुके हैं 15 साल, तो इनको 15 साल मौका दिए हैं, अब देखे इनको भी देखते हैं अभय कुशवाहा जी को। चलिए, दुकानदार हैं आप तो, यहाँ पे 1000 लोगों से डेली मिलते हैं, चुनावी माहौल क्या लग रहा है यहाँ पर? चुनावी माहौल क्या बताएं सर, हम किसी के पक्ष में बोल नहीं सकते हैं, समझे? किसे कौन बाजी मारेगा, दोनों भाजपा या तो फिर राजद, दोनों में से कोई ही निकलेगा। दोनों में कौन भारी लग रहा है आपको? अब हम तो ही नहीं बता सकते। चूंकि देखिए चपचपवा जो है वो लोग खा रहे थे, और चपचपवा की हम चर्चा कर रहे थे, काफी फेमस है यहाँ पर, लेकिन चपचपवा खाते खाते यहाँ पर चुनावी चर्चा भी हो गई है, और लोगों ने बता दिया है कि अगला सांसद कौन होगा। हालांकि एक बात गौर करने वाली है, औरंगाबाद में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि नोटा की बात कर रहे हैं, यानी कि वे लोग कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशियों से नाखुश है, लेकिन जब चुनाव होगा, परिणाम सामने आएंगे, तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि अभय कुशवाहा यहाँ के नए सांसद होंगे, या एक बार फिर से यहाँ पर परंपरा जो है वो बनी रहेगी कि एक बार फिर से यहाँ पर राजपूत समाज से ही सांसद सुशील कुमार सिंह चुने जाएंगे। अपने सहयोगी अनिमेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।